अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल करते हैं और आज हम यहाँ बना रहे हैं वेज रोल फजीता। देखिए है ना, ये बहुत ही अच्छा और अमेजिंग रेसिपी। चलिए हम देखते हैं अपने किचन लज़्ज़त में और बनाते हैं वेज रोल फजीता। बनाने के लिए यहाँ हमने 1.5 कप मैदा लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, क्योंकि आलू में भी हमारी जो है वेज में भी सॉल्ट होगा। साबुत जीरा हमने डाला है यहाँ पर 1/2 टीस्पून। 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें वाटर डालेंगे, रूम टेम्परेचर पर वाटर है। थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम इसका सख्त डो गूंदेंगे। हम अच्छी तरीके से नीट करेंगे ताकि इसके लम्स निकल जाएं सारे। और अब हम इसमें ऑयल लगाकर इसको चिकना कर लेंगे। देखिए यहाँ 1 टीस्पून ऑयल हमने डाल दिया है। और अब हम इसको 1/2 आवर के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे आधे घंटे का। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ हमने पोटैटो तैयार कर लिए हैं। पहले हमने इसको बॉईल किया, फिर इसके बाद करी पत्ता और पीसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा अचार मिलाएंगे, इससे इसका मज़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो अच्छी तरीके से मिला लीजिए। आफ्टर 1/2 आवर हमने देखिए इसको खोल लिया है और बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। इसको प्लेटफॉर्म पे डाल के हम थोड़ा सा नीट करेंगे। देखिए इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसी तरीके से मसलते हुए हमें करना है। अब हमने इसका एक लॉग बना लिया है, इसके 2 पोर्शन में कट करने हैं क्योंकि हम यहाँ पर 2 रोल्स बनाने वाले हैं। पहले हम 1 राउंड को प्रोसेस करेंगे। देखिए बेलन से इसको हम बेल लेंगे। देखिए ऐसे एक हमें सिलेंड्रिकल रोटी बना लेनी है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है, ना यीस्ट की ज़रूरत लगती है इसमें और ना इसे बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है ये। इस पर हम फिलिंग रखेंगे, 1/2 फिलिंग रखेंगे हम और 1/2 हम दूसरे के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। देखिए इसकी किनारियों पर हम पानी लगा लेंगे। देखिए अब हम इसमें चीज़ रख रहे हैं। चीज़ रखने से इसका मज़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और अगर चाहें तो चिकन भी रख सकते हैं आप। मेरे चैनल पर कीमे की रोल्स अपलोड किए हुए हैं, उसे आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी उसका लिंक दे रही हूँ। देखिए है ना ये बिल्कुल अमेजिंग। इसको अच्छी तरीके से घुमाएंगे अभी हम। पहले इसको हम पैक कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक ट्रे ली है, ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे ग्रीस नहीं करेंगे, बस ऐसे ही हम इस रोल को रख देंगे। ये ओवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और 180 डिग्री पर हमने उसे प्रीहीट कर लिया है ओवन को। 180 डिग्री सेल्सियस पे हम जो है इसे 1/2 आवर के लिए बेक करेंगे। डिप बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कर्ड लिया है और इसमें हम मायोनीज डाल रहे हैं। हमने 1.5 टेबल स्पून मायोनीज इसमें डाली है। ये बहुत ही अच्छा लगता है ये डिप किसी भी स्नैक के साथ, बहुत ही क्रीमी हो जाता है ये। और इसमें अब हम थोड़ा सा टमाटो सॉस डालेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे ऑयलिंग करेंगे ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। हम इसे कट करेंगे अच्छी तरीके से और फिर इसके प्लेटिंग कर देंगे। डेलीशियस वेज रोल फजीता बन के तैयार है। देखिए इसके अंदर की फिलिंग को देखिए ज़रा आप, और इसकी कवरिंग बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बनाने में तो बहुत ही ईजी है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है, ज़्यादा इसमें कुछ झंझट भी नहीं है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो हमें दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।